नमस्कार, मैं आशुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश में इस बार के लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश योगी के चेहरे पर, हिंदुत्व के चेहरे पर हमेशा से वोट देते आ रहा था, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट देते आ रहा था, इस बार उसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो एक तरह से बीजेपी की जो साख है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ चुकी है। भले उत्तर प्रदेश में आप देखें भारतीय जनता पार्टी हार गई हो, लेकिन कुछ ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर बीजेपी की जीत हुई, और उन सीटों पर कयास नहीं लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होती नजर आएगी। उसमें से एक सीट है केसरगंज की सीट। जी हाँ, केसरगंज की लोकसभा सीट, जिस सीट पर बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा बना हुआ था, सांसद ही पर थे और उसके बाद उनके बेटे को टिकट दिया गया, और अब केसरगंज की सीट पर बृजभूषण के बेटे करण भूषण सिंह को सांसदी मिल गई है। लेकिन केसरगंज में जो मौजूदा स्थिति है, बृजभूषण शरण सिंह पर जिस प्रकार की मुश्किलें हैं और बृजभूषण शरण सिंह के जो लगातार यौन शोषण के मामले में उनकी कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वही बृजभूषण शरण सिंह के बेटे पर भी पुलिस की कोर्ट की गाज गिर सकती है। जी हाँ, आपको बता दें कि करण भूषण सिंह के काफिले ने हाल ही में 4 बच्चों को बुरी तरह से रौंदा था, उनमें से 2 बच्चों की मौत हो गई थी और 2 बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती थे। हालांकि उसके बाद से अब जो है गरीब परिवार जो है वो लगातार एक तरह से आरोप लगाने की कोशिश कर रहा है, गरीब परिवार की आवाज़ अब कहीं ना कहीं बुलंद हो चुकी है। गरीब परिवारों का कहना है कि करण भूषण सिंह की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी जरूरी है। फिलहाल मुद्दा ये उठता है कि केसरगंज की सीट पर अगर करण भूषण सिंह की गिरफ्तारी होती है तो क्या केसरगंज में उपचुनाव की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि अगर आप देखें कि कोई सांसद की गिरफ्तारी बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, बहुत गंभीर मुद्दा बनेगा, और अगर ये गंभीर मुद्दा बनता है तो करण भूषण सिंह की गिरफ्तारी के बाद केसरगंज की सीट पर उपचुनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। अगर उपचुनाव की स्थिति आप देखें पैदा होती है तो कहीं ना कहीं करण भूषण सिंह के हाथों से तो केसरगंज की सीट जाएगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी का जो दबदबा केसरगंज में बना हुआ है वो दबदबा भी खत्म हो जाएगा और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं वहां पर सेंधमारी करने में कामयाब हो जाएगी। अब देखना यह है कि क्या करण भूषण सिंह वहां से गिरफ्तार होते हैं, क्या करण भूषण सिंह पर FIR जो है वो दर्ज होती है, और CM योगी आदित्यनाथ क्या करण भूषण सिंह पर अपनी गाज या पुलिस की गाज, कोर्ट की सुनवाई की इस प्रकार की कोई मुसीबतों का सामना क्या करण भूषण सिंह करते आने वाले समय में दिखाई देंगे या नहीं। फिलहाल इस पर आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।